हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हाय गाइस, आई होप कि मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर आ रही है। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मुझे लगता है ये टॉपिक सबसे रिलेट करता है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हमारी अर्थ पे होते हैं, कहाँ कहाँ काम में आते हैं। चाहे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ लीजिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ लीजिए, और साइकिल ऑफ इरोजन, उसके लिए तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने लिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ में स्किप किया जाए, तो उसी लिए मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज, जिसे हम बोलते हैं अंतर जात व बहिर्जात बल। अंतर जात व बहिर्जात बल। अंतर्जात और बहिर्जात बल मतलब जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में और बाहरी भागों में लगते हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्योग्राफी में या कहीं पे भी आपका कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई से भी काम आप कर लीजिए, एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि इस दुनिया में जो भी चीजें काम कर रही है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके पीछे लगने वाला एक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में आप ये पेन देख रहे हैं, इस पेन का ये मूवमेंट हो रहा है, अभी आप लोग देख सकते हैं ये पेन ऐसा मूवमेंट कर रहा है, अपने आप तो नहीं कर रहा है। डेफिनेटली मैं मेरी अंगुली से इसको मूवमेंट करवा रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको छोड़ दिया, नीचे गिर गया, उसके लिए भी एक ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है। तो हमारे इस दुनिया में ऐसा एक भी काम नहीं है जो बिना किसी फोर्स के हो, यानी कि उसके पीछे हर काम के लिए एक बल लगता है। जिसे हम कहते हैं ना कि हवाएं अपने आप चलने लगती है, तो वो भी अपने आप नहीं चलती है, उसके लिए भी एक टेम्परेचर, एयर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे जैसे हम जिस किसी की भी लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या बना है, क्या बनने वाला है, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं बल लगते हैं। तो हमने क्या किया है, हमारे ज्योग्राफर्स ने इस बलों को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। जस्ट केस इमेजिन कीजिए, मानिए कि आपके घर के अंदर आपको कोई घर बनाना है। घर बनाने के लिए भी आप लोग एक काम करते होंगे कि पहले तो आप ऑब्वियसली मनी कलेक्ट करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसे इकट्ठा करने के बाद में भी हम ये बोलते हैं कि जो घर बनता है वो किसी एक चीज से नहीं बनता, नहीं बन जाता है, ठीक है। उसके लिए आप अगर घर बनवाओगे तो उसका कंस्ट्रक्शन करने कोई और आएगा, कंस्ट्रक्शन के बाद में उसका इंटीरियर करने के लिए कोई और आएगा, उसकी प्लम्बर का काम कोई और करेगा, इलेक्ट्रिक वायर्स लगाने का काम कोई और करेगा, मतलब कि सभी के सहयोग से आपका एक घर बन के तैयार होगा। तो वैसे ही हमारी जो भी लैंडफॉर्म्स बनती हैं उनमें बहुत सारी चीजों का सहयोग होता है, और उन्हीं सहयोग को यहाँ पे एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस की मदद से बताया गया है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज से आपके एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है कृतिका, मैं अन अकेडमी पे एजुकेटर हूं, और अभी मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है 1 मंथ का क्रैश कोर्स, जिसमें मैं आपको पेपर 2, सॉरी, जो भी आपकी ज्योग्राफी का पेपर 2 है, उसके मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ। जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक हम कुछ इसी तरीके से हमारी जो चीजें हैं इनको अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पे कृतिका पारिक के नाम से आपको वहां पे मिल जाएगी। वहां पे मेरी क्लासेस भी होती हैं रेगुलर बेसिस पे, साथ ही साथ आप मेरी पुरानी क्लासेस भी वहां पे जाके देख सकते हैं। और अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आप सब्सक्रिप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का प्रयोग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करो। जी हाँ, तो चलिए मैं आ चुकी हूँ मेरे टॉपिक पे। अब आप लोग भी जल्दी से आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं है। हाँ ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं गाइस अपनी अर्थ पे लगने वाले अलग अलग टाइप्स के फोर्सेस की। फोर्सेस का मतलब होता है जो भी हम बलों को लगाते हैं। तो हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में अपने दो तरह के फोर्सेस दिए गए हैं, एक दिए गए हैं एंडोजेनेटिक फोर्स, एक दिया गया है एक्सोजेनेटिक फोर्स, राइट। एक का नाम है एंडोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक, और दूसरा है आपका एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक यानी कि अंतरजातीय बल और बहिर्जातीय बल। कभी भी आपने अर्थ में होने वाले अपने बहुत से मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स में आपने कई बार नोट किया होगा कि कई बार तो हमें अर्थक्वेक जैसी फीलिंग आती है, कई बार हम देखते हैं कि जो भी चीज हो रही है बहुत धीरे धीरे हो रही है। चलो मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। आप सभी लोगों ने एक उदाहरण को बहुत अच्छे से समझा होगा
कि आज के 200 मिलियन ईयर्स पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट शुरू हो गया था, महाद्वीपीय विस्थापन शुरू हो गया था। महाद्वीपीय विस्थापन शुरू हुआ, होते 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 पर्वत बने, पर्वत बनने के साथ साथ आज हम हमारा दुनिया देखते हैं, ठीक है। दूसरा, आपने ये सुना होगा कि एक टाइम पे अरावली जो है वो हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन आज अरावली एक अवशिष्ट पर्वत बन के रह गई है, ठीक है। हिमालय के लिए हम सुनते हैं कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय में वॉल्केनिक इरुप्शन क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरुप्शन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही क्यों आते हैं? हर जगह को लेके हमने अलग अलग उसकी विशेषताएं सुनी है। कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिनको हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं, कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन्हें हमें देख पा रहे हैं उनमें आपको पता होगा कि जैसे कहीं पे वॉल्केनिक इरुप्शन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वो हमारे दिखने में आता है। अर्थक्वेक, हमें पता होता है इतने बज के इतने मिनट पे आया है, पता है हमें। लेकिन दूसरी जगह पे पहाड़ कैसे बना? आप में से कोई है जिसने देखा है पहाड़ को बनते हुए? कि मैम, मैं गया था वहां पे, उस वक्त मेरे जाने के साथ में पहाड़ बनना शुरू हुआ, तो हम वहां बैठे रहे तो थोड़ा सोचा पहाड़ पूरा बन जाए फिर देख के चलते हैं। आई थिंक ऐसा किसी के साथ में भी नहीं हुआ होगा। राइट, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी होती हैं जहां पे हमें चूज करना पड़ता है, जहां पर हम देख देख मतलब इतना उस चीज को गहराई से जाके हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोग आ गए हैं आज तो क्लास में, अच्छा लगा देख करके। अब देखिए, तो वही चीज याद रखना, जैसे कल की एक एग्जाम्पल लो। कल मैं जब क्लास में पढ़ा रही थी तभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। एक बात बताओ, चलो इसका एक बहुत अच्छे से एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस को बड़ा उससे बताती हूँ। मान के चलो कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ये एक आदमी है, ठीक है। ये आदमी थोड़ा सा दुखी है, ठीक है। इंसान जब रोता है, मतलब मेरी बात को समझना, इंसान जब कभी भी रोता है तो किस रीजन की वजह से रोता है? पहला तो रीजन ये हो सकता है कि किसी ने उसको बाहर से थप्पड़ मार दिया हो, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो गया हो। होता है ना कि एक तो कोई इंसान बहुत अंदर से दुखी हो गया तब उसको रोना आ गया, एक दूसरा इंसान कि उसको किसी ने बाहर से थप्पड़ मार दिया तब वो रो गया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा इंसान दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जब वो खुद से करता है, दूसरा जब कोई बाहर से करता है। सिमिलरली याद करो कल वाली एक बाल्टी को, बाल्टी बताया था, बाल्टी के अंदर मैंने बताया था पानी होता है, ठीक है। उसी पानी में मैंने आप लोगों को बताया था कि काई तैर रही है। एक तो उस पानी में नीचे से हम क्या कर रहे हैं, उसमें नीचे से हम उसको हिला रहे हैं, और दूसरा बाहर से उस पर पत्थर मार रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में आइस टूट रही है, दोनों ही कंडीशन में आइस टूट रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब इंसान रोता है या जब अंदर से पानी हिलता है तो इट इज अ काइंड ऑफ ए एंडोजेनेटिक फोर्स, और जब कोई बाहर से पत्थर मारे या कोई इंसान को बाहर से थप्पड़ मारे उससे जब उसका रोना निकले तो वो आपके आ जाता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में, राइट। तो ऐसे हम हमारे दो तरीके के फोर्सेस को हमेशा ध्यान में रखना, एक होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, एक होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है इस पृथ्वी का कुछ तो गड़बड़ी आती है इसके अंदर से। तो अंदर से जब गड़बड़ हो रही है तो वो अंदर से हो रही है तो वो अंतर्जात बल कहलाएंगे, ठीक है। और अगर कोई गड़बड़ी बाहर से हो रही है तो वो बहिर्जात बल कहलाएंगे। तो ऐसे हमारे अर्थ को हम दो तरह के बलों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक कौन सा हो गया आपका, एक हो गया एंडोजेनेटिक फोर्स, एक हो गया एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। बिल्कुल, तो यहां तक आप लोगों को चीज समझ में आ गई है। तो चलो ठीक है गाइस, ये तो बिल्कुल एक मैंने मजाक की बात यहां से करी थी। बस एक चीज याद रखना, अपने यहाँ पे अर्थ पे जितना भी आप देख पा रहे हैं आज के टाइम पे, जो भी लैंडफॉर्म्स आप देख पा रहे हैं, कम मान लीजिए कि आप कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स देख पा रहे हैं। मैं आपको बोलूं कि आपने यहाँ पे देखा होगा माउंटेन, माउंटेन प्लेटू, ठीक है, प्लेन, आइलैंड, ठीक है। साथ ही साथ ये तो लैंडफॉर्म्स हो गई, यानी कि वॉल्केनिक इरुप्शन होता है, वॉल्केनिक इरुप्शन आते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है, वॉल्केनिक इरुप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एवलेंचेस हो गए यानी कि आपके भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, आपके बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, साइक्लोन, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, टॉर्नेडो, सेम वही बात मैं आप लोगों से बता रही हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी का होना, विंटर, ठीक है, विंटर के साथ साथ समर,
उतना का उतना बराबर में, विंटर हो गया, समर्स हो गया, समर हो गया, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी का होना, ठीक है, ह्यूमिडिटी के साथ साथ ड्राइनेस का होना, ये सारे कौन से पॉइंट है? ये सारे वो पॉइंट है जो हमें देखने को मिलते हैं। अब इनमें से किसी में भी इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस चीज में कहीं ना कहीं इंसान रिस्पॉन्सिबल है? मेरे हिसाब से किसी में भी इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सब लोग कौन कराता है ये जितने भी काम, मैंने आज अभी लोगों आप लोगों को यहाँ पे गिनाए, ये सब किसके अंडर में आते हैं? ये सारे काम आते हैं आपके नेचर के अंडर में, मतलब कि ये सारे काम प्रकृति करती है। अब कुछ काम ऐसे हैं जो अंदर से निकलते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो ऊपर से निकलते हैं, जैसे बारिश, सर्दी, गर्मी, नीचे ऊपर से आती है, वॉल्केनिक इरुप्शन, अर्थक्वेक, ये सब नीचे से होता है। तो ऐसे करते करते हमने क्या किया, हमारे जितने भी फिलोसोफर, जितने भी ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने क्या किया, हमारी अर्थ को लिया सबसे पहले। तो उन्होंने ये देखा कि ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह सब सही है, लेकिन अब हम अर्थ को कैसे डिवाइड करें, कितने भागों में इसके बलों को देखें। तो अर्थ अर्थ पे उन्होंने ये माना कि कोई फोर्स तो भाई है, कोई बल तो ऐसा है जो इनको काम कर रहा है, इनके पीछे काम में ले रहा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस बल को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट्स कहलाए भाई? पहला जो था वो आपका कहलाया एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एंडोजेनेटिक फोर्स, और दूसरा कहलाया एक्सोजेनेटिक, ठीक है। फर्स्ट इज एंडोजेनेटिक फोर्स, दूसरा है आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स, मतलब कि अंतर्जातीय बल, और दूसरा होता है बहिर्जातीय बल। वो इंटरफेरेंस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इंटरफेरेंस होना वो एक अलग चीज है। यहाँ पे एक बहुत ही जनरल सा डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अर्थ के जो फोर्सेस होते हैं उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो दो पार्ट्स में मान लिए गए, एक कहलाए आपके एंडोजेनेटिक फोर्स, एक कहलाए एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं पढ़ना है अपने को। एक आपका आता है अंतर्जात बल, ठीक है, एक कहलाता है बहिर्जात बल, ठीक है, यस, ये कहलाएगा। इसको अगर अपन बोले तो ये आता है अंदर से, सीधे सीधे सही भाषा में लिख देते हैं, ये आता है अंदर से, और ये वाला बल आता है बाहर से, जैसे वो इंसान के आंसू जो आते हैं खुद से, और एक ये वाले हैं जो कोई दूसरा थप्पड़ मार के निकालता है। तो यहाँ पे आपके दो तरह के फोर्स हो गए हैं। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या, हे भगवान, फिर से वो आदत। तो फोर्सेस की अगर बात करें, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, दो पार्ट के बल आपके यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे कर दिए जाते हैं। यहाँ तक का क्लियर है? अब भाई अब सीधा सीधा पकड़ लो एंडोजेनेटिक फोर्सेस को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एंडोजेनेटिक फोर्सेस को लेकर आओ, एंडो जेनेटिक फोर्स, ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? मतलब जब मैं बात करूं कि एंडोजेनेटिक फोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो मेनली गाइस जो आपके अंतर्जात बल होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अंतर्जात बलों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। अब चलो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। इतना तो अपन ने देख लिया यहाँ पे कि अंतर्जात बल जो पृथ्वी के अंदर से आते हैं वो अंतर्जात बल होते हैं। डिवाइड करने की जहां बात है, तो उसमें भी एक तो क्या होता है, किसी इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, देखा है, और एक इंसान ऐसा होता है जिसको गुस्सा भी आ रहा होता है पर वो शो नहीं करता, उसके एक्शन शो कर देते हैं, होता है ना किसी भी इंसान के साथ में, कि किसी इंसान को बहुत तेज गुस्सा आता है तो गुस्से में आंखें भी लाल कर लेगा, दांत को भी एकदम दबा लेगा, आंखें एकदम छोटी मोटी जैसी बनानी होगी वैसी बना लेगा और एक्शन दिखा देगा। कोई एक ऐसा होता है जिनको गुस्सा आ रहा होता है पर शो नहीं करता है, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे सामने वाले को लगे कि अच्छा ये उस वक्त गुस्से में था। तो ऐसे ही जो एंडोजेनिक फोर्स है, क्योंकि ये अंदर से आ रहे हैं, तो इसको भी क्या किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कौन सा? एक जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो जो जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको हम बोलते हैं आपका सडन एंडोजेनिक फोर्सेस, ये कहलाएंगे आपके सडन, सडन एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। और एक कौन सा था जिसको गुस्सा बिल्कुल नहीं आया था, धीरे धीरे उसके काम कर रहे थे, वो आपका कहलाता है डियास्ट्रोपिक फोर्स, उसको हम बोलेंगे डियास्ट्रोपिक, इज इट क्लियर। एंडोजेनिक फोर्स हमने बनाया, उसमें हमने सडन एंडोजेनिक फोर्स को काम में लिया, सडन एंडोजेनिक का मतलब था आकस्मिक तेज गुस्सा, और
पड़ियास्ट्रॉपिक धीरे धीरे रहे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। तो ये देखता है जब मेरा वक्त आएगा तब मैं कर दूंगा, तुम छोड़ो। अब भाई सडन में सबसे पहले इंसान में क्या होता है, आपको भी गुस्सा आ रहा, गुस्सा कोई आता तो आपको क्या बोला जाता है, सडन की बात आती है तो जब भी सडन में मैंने बोला ना गुस्सा, तो गुस्से में हम क्या बोलते हैं, वो तो एकदम ज्वालामुखी की तरह फट गया, बोलते नहीं बोलते, एकदम ज्वालामुखी था, एक साथ भूचाल आ गया उसके, इतना गुस्सा किया कि एक साथ भूचाल आ गया, एक साथ भूकंप आ गया। तो जो सडन एंडोजेनिक फोर्स को जो अपन ले रहे ना, एक्चुअल में है भी वैसे ही इसी के अंदर, जिसको अपन पढ़ते ना कि आपके जैसे भूकंप आ गया या भूचाल आ गया, वो इसी में आता है। तो जो आपका वॉल्केनिक इरुप्शन होता है, वॉल्केनिक इरुप्शन इसी में होता है, आपका अर्थक्वेक अर्थक्विक भी इसी में आता है, लैंडस्लाइड वो भी इसी में आता है, और एवलेंचेस वो भी इसी में आते हैं। आ गया समझ में? यस। तो सडन एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर हमने किसको शामिल किया, वॉल्केनिक इरुप्शन को शामिल किया, जिसे हम कहते हैं ज्वाला मुखी, अर्थक्वेक में भूकंप, बड़े आराम से। लैंडस्लाइड भूस्खलन, एवलेंचेस हिमस्खलन। इज इट क्लियर? तो सडन फोर्सेस आपके समझ में आ गए। अब आपसे एग्जाम में सिंपल सा ही पूछ लिया जाए कि ज्वालामुखी किसका प्रकार है, तो भाई ज्वालामुखी से याद करो इंसान का गुस्सा, गुस्सा कब से आता है, अंदर से गुस्सा आता है जो एक साथ फट जाता है, उसमें हम याद करेंगे सडन एंडोजेनिक फोर्सेस जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल रहे हैं। तो जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है वो भी पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही होती है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके पृथ्वी के ही आंतरिक भाग से भूकंप आते हैं। इमेजिन दैट दिस इज द अर्थ, इसी के इंटरनल पार्ट से क्या निकल रहा है, आपके ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है, यहीं से आपके सेस्मिक वेव्स निकल रही हैं, ओके, और यहीं से आपके कुछ ऐसा तड़कन हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, और यहां से आपके क्या निकल रही है, बर्फ निकल रही है। इसका मतलब ये है कि वॉल्केनो, वॉल्केनो भी अंदर से आती है, आपके सेस्मिक वेव्स भी इंटरनल पार्ट से आती है, आपके लैंडस्लाइड भी वहीं से होती है, और आपके एवलेंचेस भी वहीं से आते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक में भी कौन से, आपके इंटरनल फोर्सेस। तो यहां तक का क्लियर है, सडन फोर्सेस आपको समझ में आ गए। अब चलो भाई फिर से डियास्ट्रोपिक फोर्स में, एंडोजेनिक फोर्स को याद रखना, इंटरनल फोर्स हम पढ़ रहे हैं, एंडोजेनिक एंडोजेनेटिक फोर्स को याद रखना, उस पर हमने बात कर ली सडन फोर्सेस की, अब हम बात करेंगे डियास्ट्रोपिक फोर्स की। डियास्ट्रोपिक फोर्स की, डियास्ट्रोपिक फोर्स में वो कौन सा इंसान था, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पटल विरूपणी। क्या कहलाता है हिंदी में, ये पटल विरूपणी बल। इसमें थोड़ा वही वो कबीर का श्लोक अभी मैंने बोला था ना धीरे धीरे वाला, तो बस इसमें थोड़ा सा ये धीरे धीरे जिंदगी में आता है, धीरे धीरे, और धीरे धीरे जिंदगी में आके फिर ये अपना काम करता है। तो इसको हम बोलते हैं पटल विरूपणी बल, यानी कि डियास्ट्रॉपिक फोर्स। ये जो डियास्ट्रॉपिक फोर्स होते हैं ना, अब बताओ कोई इंसान है धीरे धीरे अपना कोई एक्शन कर रहा है, तो वो किस तरीके से अपने उस एक्शन को अंजाम देगा। तो ये जो डियास्ट्रॉपिक फोर्स होते हैं ना, ये दो तरीके से काम करते हैं, मतलब दो तरीके से, मतलब एक बोलता है कि तू तो सीधा चल, मैं लंबा चलूंगा, राइट, क्या बोल रहे हैं कि तू तो चल धीरे सीधा, मैं चलूंगा लंबा, मतलब तू चल क्षैतिज, तू काम कर हॉरिजेंटल, और मैं चलूंगा वर्टिकल, मतलब कि लंबवत। इतनी हंसी क्यों आ रही है आज आपको, मैं मतलब ऐसा क्या बोला मैंने, धीरे धीरे काम कर रहा है। एक बल बोलता है कि मैं सीधा रोड को कवर करूंगा, वो बोलता है नहीं मैं बिल्डिंग्स को कवर करूंगा। तो इसका मतलब एक लगता है इसमें क्षैतिज और एक लगता है वर्टिकल, ठीक है। अब जो क्षैतिज बल है, यानी कि जो हॉरिजेंटल वर्क जो लग रहा है, हॉरिजेंटल से आपके क्या बन जाएंगे,
हॉरिजेंटल को ही हम लोग वहां पे बोलते हैं एपीरियोजेनिक फोर्स। एपीरियो जेनेटिक फोर्स, ठीक है। और वर्टिकल को हम क्या बोलेंगे? ओरो जेनेटिक फोर्स। आ गया समझ में? एक कहलाएगा एपीरियोजेनिक फोर्स, एपीरियोजेनिक फोर्स, और एक और कहलाएगा ओरोजेनिक फोर्स। मतलब दो लोग होते हैं ना, कोई बोलता नहीं मुझे तो प्लेन एरिया पसंद है, कोई बोलता नहीं मुझे पहाड़ी इलाके पसंद है। तो जैसे जो आपका एपीरियोजेनिक फोर्स होता है ना, ये क्या करता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं महादेश जनक, यानी कि इसकी इतनी हिम्मत है कि पूरे के पूरे महाद्वीप को बनाने की हिम्मत रखता है। और ओरियोजेनिक के अंदर क्या होता है, आपके ये कहलाते हैं आपके पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल ये कहलाते हैं यहां पे। तो दो तरीके के बल यहां पे क्लियर हो गए आपको, कौन कौन से हैं? अरे भाई इतना ये नहीं है, देखो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा मस्ती मजाक में करें तो उसकी बात ही अलग होती है, बाकी तो पढ़ना तो सभी को है ही। तो हम एंडोजेनिक फोर्स, डियास्ट्रोपिक, जो कैसे काम करता है, धीरे 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 धीरे, मतलब एक बोलता है कि मैं महाद्वीप को टारगेट करूंगा, एक बोलता है कि तू महाद्वीप को कर, मैं महाद्वीप पे, या वैसे मैं पर्वतों को टारगेट करूंगा। तो महाद्वीप पे टारगेट करने का मतलब ये कि उसकी इतनी हिम्मत है कि वो धीरे धीरे महाद्वीप बनाता है। यानी कि अब मैं मजाक छोड़ती हूँ, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि रियलिटी है क्या इसकी। रियलिटी इसकी ये है कि जो डियास्ट्रोपिक फोर्स होता है वो हमारी अर्थ से इतना धीरे धीरे निकलते हैं कि इनसे महाद्वीपों का निर्माण होता है और पर्वतों का निर्माण होता है। यानी कि हमें पता है कि इनको बनने में हजारों हजार साल लग जाते हैं, तो एक इंसान तो अपने जीवन काल में देख ही नहीं सकता, उसको तो सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा इस चीज को। तो ये एक दो तरह के इसमें हम डिवाइड करते हैं, एक कहलाता है डियास्ट्रोपिक फोर्स, जिसमें हम हॉरिजेंटल यानी कि एपीरियोजेनिक, जिसमें हम महादेश जनक बात करते हैं। एक कहलाता है आपका वर्टिकल लंबवत, जिसको हम ओरोजेनिक बोलते हैं, जिसमें पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो जी ये सारी बातें हो गई। अब भाई अब अपन धीरे धीरे थोड़ा सा यहां पे, मतलब इसी ब्लॉक को ज्यादा रफ नहीं करेंगे, यहीं आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं एपीरियोजेनिक फोर्स की, कि एपीरियोजेनिक क्या होते हैं। क्लियर है यहां तक का? चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए एपीरियोजेनिक फोर्स लग गया। अब अपीरियोजेनिक फोर्स में हो क्या रहा है, इसमें इन्होंने दो तरीके से काम करा। मतलब ये एक बोला कि इसको हम बोलेंगे कि इसमें एक फोर्स आता है वो कहलाता है अपवर्ड और एक कहलाता है डाउनवर्ड। मतलब इसको हम बोल सकते हैं उमज्जन और इसको हम बोल सकते हैं निमज्जन। उमज्जन एंड निमज्जन, मतलब महाद्वीपों के अंदर भी ये यही बात करता है कि इसमें जो महाद्वीपों का निर्माण होता है उसमें एक तो अपवर्ड फोर्स काम करता है। अब उमज्जन को आप इमर्जेंस भी बोल सकते हो, जो हम जनरली बोलते हैं ना कि कौन सा कोस्ट किसका एग्जाम्पल है, तो उसको आप बोल सकते हो कि ये इमर्जेंस का एग्जाम्पल है, इमर्जेंस, और ये एग्जाम्पल है सबमर्जेंस। इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस, यानी कि जो आप बोलते हैं ना किनारे बनते हैं, इमर्जेंस किनारा और आपका सबमर्जेंस किनारा, वो इसी के अंदर बनने में आते हैं। तो ये आपके एपीरियोजेनिक फोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपके एपीरियोजेनिक फोर्स होते हैं ये आपके कैसे बनते हैं, जो भी महाद्वीप का इलाका है उस महाद्वीप के इलाके में एमर्जेंस की जो घटना होती है वो उसके किनारे पे भी हो सकती है और उसके बीच के भाग में भी हो सकती है, लेकिन जो निमज्जन की घटना है वो सिर्फ और सिर्फ उसके किनारों पर ही होगी। यानी कि महाद्वीप में जो उभार आएगा ना, यानी कि महाद्वीप का जो उभरा हुआ हिस्सा होगा वो बीच में भी आ सकता है, किनारों पे भी आ सकता है, लेकिन निमज्जन यानी कि झुकना, बीच में से तो कैसे झुकेगा, एक साथ नीचे से कोई वैक्यूम थोड़ी लगाएगा कि बीच बीच का खींच लो। यहाँ पे क्या होगा, ये इस घटना तो सिर्फ और सिर्फ किनारे के अंदर होती है, जिसको अपन लोग सबमर्जेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस, डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। उमज्जन और निमज्जन, ये दो चीजों का आपको यहाँ पे याद रखना है कि व्हाट इज उमज्जन। उमज्जन को हम लोग एमर्जेंस भी बोलते हैं, इस एमर्जेंस को अपन हिंदी में बोल सकते हैं यहाँ पे इसका निर्गमन। निर्गमन यस, ये आपके कहलाता है निर्गमन और ये आपका कहलाता है निमज्जन। इसको अपन निमज्जन बोलते हैं, निर्गमन या निमज्जन जो भी है वो अपन यहाँ पे निकल करके आता है, ठीक है।
अब चलो थोड़ा सा आगे, यहां तक का क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं पटल विरूपणी बल की। गाइज मोस्ट इंटरेस्टिंग बल ही यही है, पटल विरूपणी। अब तक पढ़ा ही नहीं होगा कुछ इसके बारे में, इसको जो मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को। पटल विरूपणी बल मतलब, एक तो अपन ने पीरियोजेनिक देख लिया जिसमें महाद्वीप बनते हैं, मतलब महाद्वीप को क्षैतिज बने इसलिए बोले क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरली महाद्वीप क्षैतिज रूप में होता है, पर्वत ऊंचाई लेते हैं तो वो वर्टिकल होते हैं। तो अब यहां पर आपके बल आ रहा है जिसको अपन मेनली बोलते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स। ओरोजेनेटिक फोर्स, ओरोजेनेटिक फोर्स का मतलब होता है पर्वत निर्माण, पर्वतीय संचलन। अब इसको कितने भागों में बांटोगे आप? सबसे ज्यादा जो आपके इंपॉर्टेंट फोर्स है ना, वो इसी से लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसी से होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसको थोड़ी सी ऊंचाई लेनी है, क्योंकि इसको क्या करना है, थोड़ी सी ऊंचाई लेनी है। अब ऊंचाई पे अगर कोई इंसान आज की तारीख में बढ़ना चाहे तो उसको लोग बढ़ने थोड़ी देते हैं, नहीं बढ़ने देते ना, अलग ही तरीके का तनाव उस पर पैदा कर देते हैं, अलग ही तरीके का दबाव उस पर डालने लग जाता है, होता है या नहीं होता है? आप बोलो कि आज की तारीख में मुझे दुनिया जीतनी है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग आपका वेलकम लेके खड़े हो जाएंगे। सब यही बोलेंगे ना कि देखो तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, अलग अलग तरीके का स्ट्रेस हो जाएगा आपको, अलग अलग तरीके का दबाव आप पे पड़ने लगेगा। ऐसा ही कुछ हार ओरोजेनेटिक फोर्स का है, ये चाहता तो बहुत कुछ करना है। तो इसमें क्या आता है ना, इसकी दो चीजें काम में आ जाती है, दो चीजें थोड़ा सा इसका इसके साथ रहती है पूरे टाइम। क्या? एक चीज तो रहती है टेंशन, ठीक है, और दूसरा रहता है कंप्रेशन। मतलब एक रहेगा इसके साथ में तनाव, एक इसके साथ में रहेगा वलन। वलन बोल दो या दबाव बोल दो। तो यहां पे इसके दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एक कहलाता है अपना टेंशनल फोर्स, एक कहलाता है अपना कंप्रेशनल फोर्स, जिसको बोलते हैं अपन संपीड़न। टेंशनल कंप्रेशनल से भी यहां पे बात नहीं बनती है, तनाव आगे चल के और बढ़ जाता है। कब? जब इसके तीन टुकड़े लोग कर देते हैं। कैसे? तनाव का सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना, वो आता है इसका फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है, फ्रैक्चर, क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग, यानी कि दरार, चटकन और भ्रंशन, राइट। अब दबाव के साथ में क्या सीन है? दबाव थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल दबाव अलग है। दबाव को भी यहां पे क्या किया गया है, दो तरीकों में डिवाइड कर दिया गया है कंप्रेशन को भी। कौन कौन से? इसको बांटा गया है सबसे पहले फोल्ड में, फोल्ड, और दूसरा दिया गया है रैपिंग, ठीक है, फोल्ड हो गई और इसकी रैपिंग हो गई। रैपिंग को भी आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन सी? एक हो गई अप रैपिंग, एक हो गई डाउन रैपिंग। अप रैपिंग एक कहलाएगी आपकी डाउन रैपिंग, ठीक है जी। ये हो गया आपका यहाँ पे ओरोजेनेटिक फोर्स। इसके रास्ते थोड़े मुश्किल थे, पर्वत निर्माण तो क्या अप डाउन हुआ और बन गया, इसको थोड़ा टाइम लगा, इसको टेंशन भी हुई, कंप्रेशन भी हुआ, टेंशन के साथ साथ थोड़ी दरार भी पड़ी, फ्रैक्चर भी हुआ, क्रैकिंग भी हुई, और दबाव के साथ साथ फोल्ड भी आया, रैपिंग भी हुई, जिसमें अप रैपिंग भी हुई, डाउन रैपिंग भी हुई, ये सारी चीज इसके अंदर आ गया है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो जाए ना, तो मैं मानती हूँ सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, एकदम सही तरीके से सब कुछ हो जाएगा। तो ये थे गाइज अपने एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब जैसे आपको पता है भ्रंशन में क्या होता है, दरार का पड़ना, दबाव के अंदर दो चीजों का एक साथ में आना, जैसे दो चट्टाने एक दूसरे से टकराएगी तो उनके टकराने से तनाव भी होगा, और उसी के साथ साथ अगर कोई हल्की चट्टान होगी तो टकराने से उसमें फोल्ड भी पड़ेंगे, और फोल्ड पड़ने से पर्वत का भी निर्माण होगा। मिड अटलांटिक की फ्रैक्चर भी इसी टेंशनल फोर्स के द्वारा हुई है। क्या मैम? मिड अटलांटिक की फ्रैक्चर, मिड अटलांटिक के अंदर फ्रैक्चर नहीं हुआ है जेवियर, मिड अटलांटिक रिड्स इज इट अ काइंड ऑफ अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दो प्लेटें एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसकी वजह से नीचे से मैग्मा आ रहा है और मैग्मा आकर के जम रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर किसी भी तरीके की फॉल्टिंग या टेंशनल या कंप्रेशन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम उसको उसमें नहीं देखेंगे, वो एक सेपरेटली आपके दो प्लेट बाउंड्रीज का एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने की वजह से बना है, ठीक है, इज इट क्लियर?
ओके, तो अब मैं आप लोगों के सामने एक बार इसका डायग्राम फिर से मैं बनाने के लिए जा रही हूं ताकि आप लोगों को और इसको क्लियरली समझने में आ जाए। देखिए अब यहां पे देखो, अर्थ यहां से ऊपर से शुरू कर रही हूं मैं, अर्थ पूरे सारे बल लिखूंगी, अर्थ अर्थ पे लगने वाले हमारे फोर्स, ठीक है। फोर्स पे आपने कितने टाइप्स में बांटा इसको, टू टाइप्स ऑफ फोर्स, टू टाइप्स, राइट। टू टाइप्स कौन कौन से हुए, पहला एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, दूसरा एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक को ही अभी अपन देखेंगे, एक्सोजेनेटिक को अपन अभी नहीं देख रहे हैं। एंडोजेनेटिक फोर्स को कितने पार्ट्स में अपन ने देखा था, एक वो था जो थोड़ा सडन काम करता था, तो इसमें हम काम शामिल करेंगे सडन एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। और एक पे अपन काम करेंगे डियास्ट्रोपिक फोर्स, ठीक है। सडन फोर्सेस में हमारा वॉल्केनो, यानी कि वॉल्केनिक इरुप्शन, अर्थक्वेक, एवलेंचेस, लैंडस्लाइड। डियास्ट्रोपिक फोर्स को हमने क्या किया था, आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से, सबसे पहले जो डियास्ट्रोपिक फोर्स डिवाइड हुए थे दो पार्ट्स में, एक अपन ने ले लिया था उसके लिए आपके एपीरियोजेनिक, एपीरियोजेनेटिक फोर्स, और दूसरा अपन ने लिया था ओरोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। एपीरियोजेनेटिक फोर्स को फिर से आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक कहलाया आपका अपवर्ड, एक कहलाया आपका डाउनवर्ड। अपवर्ड फोर्स को हम लोग एमर्जेंस भी बोलते हैं और इसको हम सबमर्जेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ओरोजेनेटिक फोर्स जो थे अपने यहां पे, ओरोजेनेटिक फोर्स के अंदर हमने इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, लंबा इन द सेंस हमने इसको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक अपन ने इसको टेंशन में डाल दिया, टेंशन में डालने के साथ साथ ही इसको कंप्रेशन में भी डाल दिया। जब टेंशन में डाला तो ये तीन पार्ट्स में चला गया, कौन सा, एक हुई इसमें फॉल्टिंग, एक हुई इसमें क्रैकिंग, एक हुई इसके अंदर आपके फ्रैक्चरिंग। और जो कंप्रेशन था वो भी क्या चला गया, आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कौन कौन सा, एक कहलाया आपके फोल्डिंग, एक कहलाया आपके रैपिंग। रैपिंग आगे चल के दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड हो गया, अप रैपिंग एंड देन डाउन रैपिंग। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, गलत हो तो मुझे बता देना, समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना। मैम कौन से फॉल्ट में हॉरिजेंटल संचलन से बनता है, मैम कौन से फॉल्ट में हॉरिजेंटल संचलन। देखिए यहां पे जो हम लोग फॉल्टिंग मैपलेस से डिस्कस कर रही हूं वो मैं अपीरियोजेनिक फोर्स में डिस्कस कर रही हूं, ठीक है। आप जो बोल रही हैं हॉरिजेंटल संचलन, वो आपके महादेश जनक बलों में होता है, यानी कि वो अपने एपीरियोजेनिक फोर्स में होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आपको देखना है। चलिए तो इसको देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल अपन इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे, अगर डिटेल में देखेंगे तो फिर इसके लिए तो 3 घंटे भी कम है ना। तो मैं आप लोगों को अब मैं सीधा आपको लेके चलूंगी एक्सोजेनिक फोर्सेस पे। एंडोजेनेटिक फोर्सेस का जो हिसाब किताब है वो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर रखना है कि उसमें क्या क्या हो सकता है। जनरल सी चीज यही है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें ये पूछी जाएगी, जैसे कि आपसे फॉल्टिंग है, फॉल्टिंग से रिलेटेड आपसे फॉल्ट के टाइप पूछ लिए जाए, ठीक है। फॉल्ट के टाइप, रंजीता जी आपका सवाल भी मुझे समझ में नहीं आया बेसिकली। एक बार आप उसको चाहे हिंदी में लिखिए, कैसे भी लिखिए, एक बार मुझे सवाल समझाइए, क्योंकि कौन से फॉल्ट में हॉरिजेंटल संचलन से बनता है ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपका क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रही हूँ, आप एक बार उसको वापस से लिखिए, हो सकता है क्वेश्चन मुझे समझ में आ जाए तो आपको आंसर भी बता दूं। अब देखिए, तो
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक बताऊंगी कि आप अपन इस चीज को और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। सडन फोर्सेस में वॉल्केनिक इरुप्शन, अर्थक्वेक, एवलेंचेस, लैंडस्लाइड आएंगे। डियास ट्रॉपिक के अंदर आपके फोर्सेस आ जाएंगे एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस। एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर अपवर्ड जिसमें एमर्जेंस, डाउनवर्ड जिसमें सबमर्जेंस। एमर्जेंस एंड सबमर्जेंस क्या होता है? एमर्जेंस उस सिचुएशन में होता है या तो समुद्र का तल बढ़ जाए, सॉरी, या तो आपका जो लैंड एरिया है वो ऊपर हो जाए या समुद्र तल घट जाए, ये होगा एमर्जेंस। सबमर्जेंस में क्या होगा? या तो समुद्र तल बढ़ जाए या आपका लैंड एरिया डाउन हो जाए, ये कहलाएगा आपका सबमर्जेंस। जैसे अपना काठियावाड़ तट, समुद्र एरिया बढ़ जाए या वो नीचे चला जाए, तो अभी अपना जो पश्चिमी घाट है वो नीचे जा रहा है, तो इस वजह से वहां पे बनने वाली जो कोस्ट लाइन है वो सबमर्जेंस है। ओरोजेनेटिक के अंदर क्या होता है? दो तरीकों से पर्वत निर्माण होता है। कैसे? एक तो भ्रंश से। भ्रंश से मतलब जैसे मान ली नॉर्मल फॉल्ट कहीं बन रहा है तो ब्लॉक माउंटेन आपके बन जाते हैं, हर्ट्स, ग्रेबन, ये सब बनते हैं। कंप्रेशन से आपके फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। फॉल्ट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि फॉल्टिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, आपके नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्टेपी फॉल्ट्स, वैसे ही कंप्रेशन के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट, असिमेट्रिकल फॉल्ट्स, आइसोक्लिनल फोल्ड, मोनोक्लिनल फोल्ड, फैन शेप्ड फोल्ड, अलग अलग तरीके के फोल्ड्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक मेन ये क्लियर कर रही हूँ कि हमारी अर्थ पे कितने तरीके के फोर्स लगते हैं और वो कैसे अपने यहाँ पे वर्क करते हैं। अब तक जितने भी काम हुए हैं वो सारे इंटरनल एक्टिविटीज अपन देख रहे थे कि हमारी अंदर से बाहर तक आई है। अब हम देखेंगे कि पर्वत निर्माण जो हुआ है या महाद्वीप का निर्माण हुआ है उसमें बाहर के तत्वों का कितना सहयोग है। हाँ कौन सा फॉल्ट क्षैतिज संचलन के परिणाम स्वरूप बनता है? क्षैतिज संचलन का मतलब हो गया आपके प्लेटों में होने वाली गति। अब देखिए, प्लेटों में जब गति होती है तो वो डिपेंड करता है कि प्लेटों में गति कैसे हो रही है। जैसे दो प्लेट अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो वो एक तरीके का नॉर्मल फॉल्ट है, लेकिन अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है तो वो रिवर्स फॉल्ट है। ठीक है, कई बार बहुत सारी फॉल्टिंग जब हो जाती है तो वो एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखने लगता है, तो वो स्टेपी फॉल्ट है। तो जो आपका फॉल्टिंग है वो डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके से जा रहे हैं। मानिए कि दो लोग अगर दूर जा रहे हैं तो नॉर्मल बन रहा है, एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़ रहे हैं तो वो रिवर्स फॉल्ट बन रहा है। इसमें हम यहाँ देख सकते हैं, रवीना चौहान जी बोल रही है, मैम हिंदी में बताइए। बिल्कुल, देखिए, पृथ्वी पे हमारे अलग अलग तरीके के बल लगते हैं। उन बलों को हमने दो प्रकार से विभाजित किया है। कौन कौन सा? एक कहलाता है आपका अंतर्जात बल, एक कहलाता है आपका बहिर्जात बल। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में आते हैं, सडन का मतलब होता है अचानक, ऐसे बल जो अचानक से आते हैं जिसमें हम शामिल करते हैं ज्वालामुखी को, हमारे भूकंप को, आपके भूस्खलन को और आपके सॉरी हिमस्खलन को और भूस्खलन को। आपके फिर दो तरीके के बल लगते हैं। डियास्ट्रॉपिक फोर्स को हम बोलते हैं पटल विरूपणी बल। ठीक है, पटल विरूपणी बल में भी आपके दो तरीके के बल होते हैं। एक होते हैं एपीरियोजेनिक, जो कहलाते हैं आपके महादेश जनक, यानी कि जिससे महादेश द्वीपों का निर्माण हो। ओरियोजेनिक, जिसको हम बोलते हैं आपके पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, अब महादेश जनक बल आपके दो स्थितियों में होते हैं। एक में होता है उमज्जन, एक में होता है आपके निमज्जन। उमज्जन का मतलब होता है जहां पे पर्वत, जहां पे आपका महाद्वीपीय भाग ऊपर उठ जाए या सागर तल नीचे घट जाए। और निमज्जन में क्या होता है? या तो सागर तल ऊपर उठ जाए या महाद्वीपीय भाग नीचे की तरफ चला जाए। अब फिर आपके दूसरे आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल में, एक आते हैं आपके तनाव मूलक बल, एक आते हैं आपके दबाव या फिर संपीड़न मूलक बल। तनाव मूलक बलों में तीन तरह की क्रियाएं होती हैं, भ्रंश, चटकन और दरार। और दबाव मूलक में दो तरीके की क्रियाएं होती हैं, एक होती है वलन की और रैपिंग। रैपिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे वो मैं बता दूंगी आपको, वलन मतलब कि फोल्ड्स पढ़ना इसमें। बिल्कुल मैम, सेंट एंड्रियास ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री से बनती है। बिल्कुल, दो उसमें वो एक ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट बाउंड्रीज बनाती है सेंट एंड्रियास का, और वो सबसे बड़ी वहां पे फॉल्ट लाइन भी डेवलप हुई है। ठीक है, चलिए, तो एंडोजेनेटिक फोर्स अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो कि मैम समझ में आ गए हैं और अब हम कभी नहीं भूलेंगे, और फिर मुझे थम्सअप भी कर दो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ।
ओके चलो, तो अब अपन ने अब तक का क्या काम किया है, अंदर का। वो लड़के को याद करो जो मैंने बताया था ना आपको कि जो रो रहा था, उसके रोने के प्रकार अपन ने देखे। एक तो वो जब गुस्सा हो रहा था, मतलब जब वो गुस्सा हो रहा था, तो एक तो वो अचानक से गुस्सा हुआ, अचानक गुस्सा होने से ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, सब कुछ आ गया। एक उसने थोड़ा धीरे धीरे काम करा, धीरे धीरे काम का मतलब क्या है, एक तरफ तो उसने सपाट करा, एक तरफ उसने थोड़ा लंबा काम किया, उसमें हमने अलग अलग देखा। अब हम बात करेंगे कि इस पृथ्वी पे अंदर से तो लोगों ने अत्याचार किए ही किए, बाहर से भी अत्याचार हो रहे थे, यानी कि बाहर से भी लोग काम कर रहे थे। अब बाहर से जो लोग काम कर रहे थे वो कौन से थे, चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में, मतलब जिसमें हम बात करेंगे अपने बहिर्जातीय बल। एक्सोजेनेटिक फोर्स मतलब कि बहिर्जातीय बल। बहिर्जातीय बल का मतलब क्या हो गया, जो बाहर से काम कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से काम कर रहे हैं मतलब बहुत लंबा काम कर रहे हैं, थोड़ा अनादर लेवल का, नेक्स्ट लेवल का काम हो रहा है यहां से। चलो यहां तक का तो इजीली क्लियर है ही है सभी को, बाकी आप लोगों को इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने आपको सारा बता दिया, मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया दिया है कि कैसे आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को। देखिए अब देखिए बहिर्जातीय बलों में आप क्या देखोगे, इसमें हम वो चीज देखेंगे जो हमें एक्चुअली दिखाई भी देती है, जैसे बारिश होना दिखाई देती है, इरोजन, डिपोजिशन, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी हम इन्हीं फोर्सेस के अंदर शामिल करते हैं। तो मैं आपको बिना कुछ करे मैं आपको बता देती हूँ एक्सोजेनेटिक फोर्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले होती है वेदरिंग, यानी कि अपक्षय, ठीक है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, बस ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। पक्षय तीन तरह का होता है, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, यानी कि जैविक, भौतिक, रासायनिक। इरोजन तीन तरीके, चार तरीके से होता है, रनिंग वाटर से, करंट से, बर्फ से और हवा से। डिपोजिशन रनिंग वाटर से, करंट से, बर्फ से और हवा से। बहुत ही इजी सा इसका प्रोसेस है, इजी तरीके से हमें इसको समझ लेना है। समझने के लिए चलो फिर से हिमालय की तरफ एक उदाहरण आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रही हूँ। मानिए मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि जो अरावली पर्वतमाला है उसके लिए बोला जाता है कि वो आज के इतने इतने साल पहले हिमालय से भी ऊंची थी। भाई मैं अरावली रोज देखती हूँ, मेरे तो रोज का काम है अरावली को देखना, मुझे तो नहीं लग रहा, मैं तो मान ही नहीं सकती इस चीज को, पर फिर बोले नहीं आपको मानना पड़ेगा। फिर मेरे माइंड में एक सवाल ये आता है कि अगर जब अरावली एक टाइम पे इतनी ऊंची थी तो आज क्या हो गया, इंसान की तो इतनी नहीं है कि वो उसको उसके पत्थर को तोड़ तोड़ करके अपने घर में लगा देगा या पत्थर को बेच देगा इतना ज्यादा ड्रास्टिक, क्योंकि हिमालय जो है उसकी एवरेज जो अपन बात करते हैं लगभग लगभग हिमालय जो है वो 4,500 जो है उसकी एवरेज हाइट है, हाइएस्ट की बात करें तो वो 8,848 मीटर चला जाता है हाइएस्ट तो। और यहां मैं बात करूं अरावली के हाईएस्ट पॉइंट की, तो वो है 1,722 मीटर। तो इनके अंदर लगभग लगभग आज की डेट में 6,000 मीटर का जो डिफरेंस है वो किसने खत्म किया। फिर उसके पीछे से एक जोर से आवाज आती है कि मैंने। अब मैंने में कौन थी भाई, उसमें आती है आपके विंड, उसमें आती है आपके वाटर, उसमें आपके आ जाती है वेव्स, उसमें आपके आ जाता है राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब ये कि ये सारे किसके परिणाम है, एक्सोजेनेटिक फोर्स के, यानी कि बाहर से ऐसा हो रहा था हवा के कटा दबाव से पत्थर जो थे वो कटते गए कटते गए, कट करके वहां पे क्या बन गई, मिट्टी का जमाव यहाँ पर होता गया, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे मिट्टी का जमाव यहाँ पे वो लोग करते गए। इसका मतलब ये है कि जब पृथ्वी पे पर्वत बन गया, मान लो हमने बोल तो दिया पर्वत निर्माण करी बोलो में, ये लो ये पर्वत बन के खड़ा हो गया यहाँ पे, बड़ा खुश है ये पर्वत, क्या पर्वत ऐसा ही रहेगा अभी हमेशा, ऐसा ही रहेगा नहीं, इसको यहाँ के लोग जीने ही नहीं देंगे। कौन से लोग, यहाँ पे इन लोगों की गैंग बनी हुई है, किस किस की, हवा की, पानी की, तरंगों की और राउंड वाटर की। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा वो प्ले करेगी हवा और पानी, हवा और पानी, हवा प्लस पानी, नल और नील, ये इन दोनों की जोड़ी है, ये इनको साथ रहने ही नहीं देगी, ये इनके ऊपर अटैक करेगी, और अटैक करने से एक दिन ऐसा आएगा जब ये भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, ये भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। और ऐसा होने से इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इसका तो इरोजन हो गया, या इसमें कौन से आ गए आपके एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इसके अंदर काम कर गए।
राइट, एक्सोजेनेटिक फोर्स यहाँ पे वर्क कर जाएंगे। तो जब हमारे पृथ्वी पर महाद्वीपों का, महासागरों का और पर्वतों का निर्माण होता है, तो उसपे केवल अकेले यही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इन्हीं के साथ साथ उसपे लगने वाले अलग अलग फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसको हमने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का नाम दिया है। तो चलिए, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज में मैं आपको देने जा रही हूँ आगे की कुछ खबरें, जो की है इस प्रकार। चलिए जी, तो देखिए, एक्सो जेनेटिक, ये एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। एक्सोजेनेटिक फोर्स को हमने क्या बोला, हमने इसको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन सी? एक तो होती है वेदरिंग, मतलब अपक्षय, ठीक है। एक होती है इरोजन, इरोजन का मतलब होता है अपरदन, और एक होता है डिपॉजिशन। इसका मतलब होता है निक्षेपण। इज इट क्लियर? अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण। अब अपक्षय क्या चीज है भाई, ये तो समझे। अपक्षय कुछ भी नहीं है दोस्तों, अपक्षय वो भ्रम है एक तरीके का, जो दूर से देखने पे लगता है हमारा है पर हमारा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये एक चट्टान है, मैंने माना है कि ये चट्टान है, ऑल्दो वी आर नॉट स्टूडेंट ऑफ मैथ, बट वी कैन जस्ट कंसिडर दैट इट इज अ रॉक। हमने मान लिया कि ये चट्टान है, दूर से दूर कोई खड़ा इस चट्टान को देख रहा था, देख के लगा कि इस चट्टान को तो मैं मेरे घर ले जा सकता हूँ। आया और पास आया और पास आया, पास आते आते जैसे ही उसने इस चट्टान को उठाया, उसको लगा धक्का। धक्का क्यों लगा भाई? क्योंकि वो चट्टान अपने आप में टूटी हुई थी, और फिर उसके बाद में उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वो टुकड़े टुकड़े जमीन पे गिर जाते हैं। दूर से देखने पे वो चट्टान कैसी लग रही थी? बड़ी ही सुंदर एक लग रही थी, पर जब पास आके देखा तो उसने उसके टुकड़े देखे। टुकड़े का मतलब उसको लगा कि ये तो अंदर से खोखली थी, ये तो इस पे तो अंदर से दरारें पड़ी हुई थी, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग अपक्षय का नाम देते हैं। मतलब ये कि जिस चट्टान का अपनी ही जगह पे टूट टूट के बिखर जाना ही अपक्षय कहलाता है। मतलब वो कहीं नहीं गई, ना घर से बाहर निकली, ना घर के अंदर रही, वो बीच की जगह पे थी, बस वहीं पर ही। उसके साथ में क्या हो जाता है, अलग अलग तरीके के फोर्सेस लगने की वजह से वो वहीं पे टूट टूट करके बिखर जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। बात मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होता है, ये मत देखना कि ये इंसान हार मान लेगा, मुद्दा यहाँ खत्म हुआ ही नहीं है। उसने सोचा ये हुआ तो हुआ कैसे, उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया अपना, वो ये सोचा ये हुआ तो हुआ कैसे। उसके माइंड में आते हैं तीन रीजन, कौन कौन से? वो सोचा या तो ये पानी से हुआ होगा, या ये हवा से हुआ होगा, या फिर किसी जीव ने इसको किया होगा, राइट। ये चीज रही होगी कि या तो ये पानी से हुआ, या ये हवा से हुआ, या ये किसी जीव से हुआ है, ठीक है। तो हवा और पानी अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं, तो उसने सोचा कि एक तो मैं इसको नाम दे देता हूँ वेदरिंग, एक तो हुई होगी फिजिकल वेदरिंग, एक हुई होगी केमिकल वेदरिंग, और एक हुई होगी बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो ऐसे करते करते उसने क्या किया, अपने जो अपक्षय होता है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन से? एक कहलाई उसकी तरफ से फिजिकल वेदरिंग, एक कहलाई कौन कौन सी, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। किसने डिसाइड की थी ये चीज? इन महाशय ने डिसाइड की थी, इस चीज को देख करके। दूर से बेचारा चल के भी आया, इतना पेट्रोल भी लगाया तो ऐसे जाने थोड़ी देगा। तो पानी, हवा और जीव, तीन की वजह से इसने तीन को, इतना तीन को इन लोगों ने मेनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया था। कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबल ठहराया था ठहराया था, तो देखते हैं अब अपन क्या होता है। अब देखो, इसका मतलब चट्टानों का अपनी ही जगह पे, जब चट्टान अपनी ही जगह पे टूट टूट करके बिखर जाती है, तो उससे तीन तरीके की वेदरिंग होती है। कौन कौन सी? एक होती है फिजिकल वेदरिंग, एक होती है केमिकल वेदरिंग, एक होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे तीन तरीके की वेदरिंग की, फिजिकल। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग में हम अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। फिजिकल वेदरिंग में मेनली जो रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है ना दोस्तों, वो आपका सूरज होता है। आप अपना जो इसमें अपन बोल सकते हैं कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो होता है सन, सूरज, सूरज जी। सन से आने वाली जो रेज होती है,
वो बार बार में रेगुलर बेसिस पे किस पे गिर रही होती है, एक चट्टान पे गिर रही होती है। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एक चट्टान है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, रॉक, इस पर वो गिर रही होती है, ठीक है। सन से तो ये गिर रही है, फिर जैसे ही रात का वक्त आता है, रात के वक्त पे यहां से क्या होता है, सूरज की रोशनी तो चली जाती है, थोड़ी थोड़ी सी ठंडक यहाँ पे मिल रही होती है। तो मैं अगर बात करूं कि डे के टाइम पे तो इसको क्या मिल रही है, हीटिंग मिल रही है, ठीक है, और नाइट के टाइम पे क्या मिल रही है इसको, ये कूल हो जाती है। तो हीट कूल यानी कि ठंडा गर्म होने की वजह से एक दिन ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद में ये अपने आप में सोचती है कि अब मुझे रहना ही नहीं है ऐसे लोगों के बीच में, ठंडा गर्म मतलब ही नहीं है। तो फिर ये क्या हो जाती है, फिर ये टूट जाती है। टूटने के बाद में इसमें क्या आ जाती है, दरार पड़ जाती है, और दरार पड़ने से इसमें क्या आ जाती है, टूटन आ जाती है, और टूटन आने से ही हम इसको क्या बोल देते हैं, अपक्षय बोल देते हैं। अपक्षय में भी कौन सा पक्ष है, ये कहलाएगा अपना भौतिक पक्ष। आ गया समझ में, भौतिक पक्ष है, आया समझ में। अरे मैं आज बड़े डिफरेंट तरीके से पढ़ा रही हूं, मैं कभी पढ़ाती भी नहीं हूं ऐसे, आज मैं ऐसा पढ़ा रही हूं, तो पढ़ लो, फिर बोलोगे मैम आज आप गुस्से में लग रहे हो, तो मैं बड़ा तरीके से पढ़ा रही हूँ, आज पढ़ लो इसको। तो ठंडा गरम इसको अपन क्या बोल देंगे, फिजिकल वेदरिंग। ये सेम चीज, अब मान लो कि ये तो चट्टान बोल दे कि मेरा तो गर्मी की जगह पे थी, मान लो कि कोई चट्टान है जो ठंडी जगह पे रहना पसंद करती है, चट्टान गर्म जगह पे भी थी ही नहीं, चट्टान तो ठंडी जगह पे थी, मान लो ये तो, आप मान लो कि ये तो किसी डेजर्ट की घटना हो सकती है, राइट। यहां पर अपन बोर्ड लगा दें कि ये जो इलाका है ये डेजर्ट इलाका है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको लेके चलूं पोलर वाले इलाके में, पोल पोल पे चलो चलते हैं अपन, ठंडे इलाके में, वहां पे बर्फ है, वहां पे एक बर्फ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है सूरज से क्योंकि आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक रॉक रखी हुई है, रॉक है मान लो। अब रॉक में क्या होता है, बारिश तो यहाँ पे भी होती है, बारिश होने की वजह से मान लो बारिश थी, बारिश आकर के यहाँ पे पानी की एक बूंद रुक गई, रुक जाए क्या दिक्कत है, ठंड का दिन था, कहीं पे भी जहां जगह मिली वहीं रुक गई। रुक गई, रुकने से क्या होता है, रात के टाइम पे ठंड बढ़ गई, रात का समय आता है नाइट, रात हुई, रात के समय पे ठंड बढ़ गई, और ठंड बढ़ने के साथ साथ ही जब ठंड बढ़ गई तो वो पानी की बूंद पानी थोड़ी रहेगी, किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, वो आइस में। जब वो आइस में कन्वर्ट हुई, तो एक चीज याद रखना, जब भी कोई चीज वाटर से जब वो कन्वर्ट होती है आइस में, तो वो अपनी सबसे ज्यादा डेंसिटी ले लेती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब उसका आयतन अगर इतना था ना, तो आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ जाता है। तो अब भाई वो आयतन कहाँ का कवर करेगी, चट्टान का ही कवर करेगी। अगला दिन हुआ, फिर वो पानी पिघल गया, रात को वो पानी फिर जम गया, फिर जब वो जमा तो फिर चौड़ा कर दिया। तो ऐसे करते करते एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब वो पानी इतना अंदर तक पहुंच जाता है कि वो चट्टान में दरार पैदा करता जाता है, और एक मोमेंट पे वो चट्टान को फाइनली तोड़ देता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी आपके फिजिकल वेदरिंग का ही एक टाइप है। वेरी गुड, ये भी एक फिजिकल वेदरिंग का ही एक टाइप है। रंजीता जी कह रही है मैं शादी में आई भी हूँ फिर भी मैंने क्लास मिस नहीं करी, और वो वहां से क्या गानों की आवाज मुझे आ रही है, इस वजह से मैं थोड़ी फिल्मी अंदाज में आज पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ आज इतने फिल्मी अंदाज में। फिजिकल वेदरिंग क्लियर, तो उस इंसान ने फिजिकल वेदरिंग के बारे में अपना पता लगा लिया। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट लेवल की वेदरिंग में, वो आती है आपकी केमिकल वेदरिंग। मतलब कि रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय में क्या हो रहा है, रासायनिक अपक्षय के अंदर आसपास की गैस, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी चीजें जो है वो चट्टान को प्रभावित कर रही है। जैसे मानिए कोई से भी चट्टान है, चट्टान के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से, या बहुत टाइम तक पानी में रहने की वजह से, चट्टानों के अंदर जो टूटन आ जाती है वो आपके केमिकल वेदरिंग में आती है, और सबसे लास्ट में आती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये सिर्फ हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, इसमें पूरा इंसान का रोल होता है, यानी कि जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में क्या होता है, इसमें जंगली जानवर होते हैं वो चट्टान को तोड़ देते हैं, या
पेड़ जहां पे मानिए कोई चट्टान थी, चट्टानों में आपने एक पेड़ लगा दिया, तो उस पेड़ की जड़ों से भी वो चट्टान उखड़ने लगती है, उसमें टूटन आने लगती है। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। इसके लिए हमने को इतना सोचना नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पे बात करनी है आपके वेदरिंग के फीचर्स की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपके फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग को हमने यहाँ पे समझ लिया है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस इंसान का बड़ा खूबसूरत लग रहा है। चारों ओके, तो आज तक की क्लास का जो अपन ने समझा, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी कल की क्लास में। अपन साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ेंगे, उसमें मैं आप लोगों को समझ लूंगी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, वेर आपके जिसमें मैंने किस किस को शामिल किया था, वेदरिंग को शामिल किया था, इरोजन को शामिल किया था, और डिपोजिशन को शामिल किया था। ठीक है, अब एक बार मैं आप लोगों को इसका बता दूं कि इसमें मैंने क्या क्या पढ़ना था। हाँ, ये देखिए, वेदरिंग, वेदरिंग में बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल। इरोजन में हम रनिंग वाटर, वेव करंट्स, आइस, विंड्स, ये सब जो है गाइस, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में, जो भी मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। डिपोजिशन, रनिंग वाटर, वेव, आइस, विंड्स, यानी कि काटना होता है इरोजन, डिपोजिशन होता है किसी भी चीज को जमा करने का प्रोसेस। क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको घंटे को जरूर दबा देना। देखो, ठीक है, बाय बाय।